जिस शख्स को अल्लाह ने तौहीद की नेमत से नवाजा है उससे बड़ा कोई खुश नसीब नहीं। तौहीद और मनहज सही ना हो वो दर दर की ठोकरें खाता है लेकिन चैन उससे नसीब नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए पहली जमानत ये दी है, सुबह की नमाज बाजमात पढ़ने की आदत बनाओ। सुबह की नमाज बाजमात पढ़ने वाला कितना खुश नसीब है, और फिर अल्लाह उसे तौफीक दे दे वो असर की नमाज भी बाजमात पढ़े। ये दो ही नमाजें हैं जहां फरिश्तों की ड्यूटियां चेंज होती हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजते हैं और जब फरिश्ते वापस जाते हैं तो अल्लाह मालिकुल मुल्क सवाल करते हैं, मिन अयना अक़बलतुम, कहां से आए हो? वहुवा आलमु बिहिम, अल्लाह तो जानता है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। सदका जारिया की नीयत से वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि भिजवाया तो अल्लाह ने, मिन इंदी इबादिल्लाका फिल अर्ध, अल्लाह तेरे बंदों के पास से आए। अच्छा क्या कर रहे थे वो? फरिश्तों का जवाब कितना खूबसूरत है, काश ये जवाब मेरे और आपके लिए भी फरिश्ते दें। ए अल्लाह, अतैनाहुम वहुम युसल्लून व तरकनाहुम वहुम युसल्लून, गए थे तब भी वो नमाज ही पढ़ रहे थे, जब आए हैं तो तब भी नमाज ही पढ़ रहे थे। ये वो गवाही है जिसके बारे में फरिश्ते गवाही दे दें, दुनिया की किसी गवाही की किसी को जरूरत नहीं। फरिश्ते गवाह और खरबों फरिश्ते गवाह जिसके बन जाएं, मालिकुल मुल्क उसे अपने इनामात और जन्नत से महरूम कैसे करे? मन सल्लल बर्दैन दखल अल जन्नत, दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं, जो सुबह और असर की नमाज बाजमात पढ़ लेता है खुश हो जाए ये जन्नती है।